છોટાઉદેપુર લોકસભા મત વિસ્તારના સાંસદ ગીતાબેન રાઠવાએ કેવડિયાને નેશનલ હાઈવેથી જોડવાની લોકસભામાં રજૂઆત કરી હતી. નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા ખાતે વિશ્વની સૌથી ઊંચી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેને નિહાળવા માટે રોજ હજારોની સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવતા હોય છે. માટે આવનારા પ્રવાસીઓને આવવા જવામાં સરળતા રહે તે માટે સાંસદ ગીતાબેન રાઠવાએ કેવડિયાને નેશનલ હાઈવેથી જોડવા માટે સરકારમાં રજૂઆત કરી હતી. धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे शून्यकाल में मेरे क्षेत्र का विषय रखने का मौका दिया. मैं आपके माध्यम से सदन में अपनी लोकसभा क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण विषय रखने जा रही हूँ. महोदय, आज हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों हर क्षेत्र में प्राप्त कर रही है. भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग NH का जाल बुना हुआ है जो देश के लगभग हर बड़े शहरों को जोड़ती है. यह हाईवे न सिर्फ बड़े शहरों को बल्कि ये सड़कें देश की लंबाई चौड़ाई को भी जोड़ती है. महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र छोटाउदेपुर की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ. NH 8 को अंकलेश्वर से नर्मदा केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तनखला कमाट के साथ मध्य प्रदेश के तपोला अलीराजपुर कुक्षी सोंगवा और मनावर धर्मपुरी तक को यदि NH 3 जुनवानिया तक जोड़ दिया जाए तो गुजरात मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लोगों का आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी. साथ ही ज्ञात हो कि केवड़िया विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण होने के कारण केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पूरे विश्व से घूमने के लिए आते हैं. इनके लिए भी सुविधाजनक हो जाएगी. अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन है कि NH 8 से NH 3 तक जोड़ने की कृपा. बहुत बहुत धन्यवाद.